बड़ी खबर जान लीजिए, सुखदेव सिंह ओगमेड़ी हत्याकांड से जुड़ी हुई मिल रही है बड़ी खबर। यह है कि गैंगस्टर वीरेंद्र चारण पर एनआईए ने 5 लाख का इनाम घोषित किया है। गैंगस्टर वीरेंद्र चारण पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है। चूरू जिले का रहने वाला है वीरेंद्र चारण, जिस पर 1 लाख का इनाम किया गया है घोषित। रोहित कुदारा गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है वीरेंद्र चारण, और जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। सहयोगी सोमू इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सोमू, क्या डिटेल मिल रही है इस खबर को लेकर? वीरेंद्र चारण जो कि चूरू जिले का रहने वाला है, रोहित कुदारा गैंग से जुड़ा हुआ है, 1 लाख का इनाम घोषित किया गया, और क्या डिटेल मिल रही है? जी देखिए, 1 लाख का इनाम पुलिस ने पहले से घोषित करके रखा है। अब नई अपडेट यह है कि एनआईए ने भी 5 लाख का इनाम घोषित किया है, और ये बहुत बड़ी कार्रवाई के रूप में इसे देखा जा सकता है, क्योंकि न सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड बल्कि इससे जुड़े कई और मामलों में ये अपराधी वांछित है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस वक्त यह दुबई में रह रहा है, और वहीं से रोहित गोदारा के इशारे पर जो पूरा गैंग है उसको ऑपरेट करता है, और इसी ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की पूरी तरह से साजिश रची थी। तो अब एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है, और इससे पहले पुलिस भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा जो कदम है वो उठाया गया है एनआईए के द्वारा। एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर एनआईए की ओर से उठाया गया है, क्योंकि एनआईए ने 5 लाख का इनाम घोषित किया है, पुलिस की टीम ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है। अब किस रूप में ये जो कार्रवाई एनआईए लगातार इस मामले में कर रही है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोई लीड अभी तक हाथ लगे कि एनआईए की टीम को? जी देखिए, एनआईए जांच की मांग लगातार हुई थी। जब वो हत्या हुई थी तो हमने देखा था किस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए थे, और ये कहा गया था कि राज्य की पुलिस नहीं बल्कि केंद्रीय एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करे। इसके बाद एनआईए को इस मामले की जांच के लिए लाया गया था, और अब तक एनआईए कई सारी बिंदुओं पर जांच कर रही है। हालांकि क्योंकि क्या कुछ एनआईए को मिल पाया है इसके बारे में बहुत साफ सूचना नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अब जिस तरह से एनआईए लगातार दबिश बना रही है इतने इस पूरे मामले पर और जो गैंगस्टर्स हैं उन पर, तो उससे निश्चित रूप से ये उम्मीद लगती है कि कुछ ही दिनों में कई सारे अपराधी जो हैं इस मामले में पकड़ में आएंगे और पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाएगा। और इसको लेकर कोई इनपुट मिल पाया है क्या वीरेंद्र चारण को लेकर, जिस पर इनाम घोषित किया गया एनआईए की टीम की ओर से? क्योंकि सोमू, 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चला है लेकिन अभी तक इस मामले का पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी चुनौती है एनआईए के लिए, क्योंकि राज्य की पुलिस पर विश्वास नहीं जता रहे थे जो परिजन थे, और वो बार बार एनआईए जांच की मांग कर रहे थे, इसलिए उस वक्त अनुशंसा की गई थी एनआईए की जांच के लिए। तो इसलिए एनआईए की जांच से काफी सारी उम्मीदें हैं, और एनआईए जब अब इस पूरे मामले पर आगे बढ़ रही है और कई अपराधियों के खिलाफ एनआईए ने अब इनाम भी घोषित किया है, जो इश्तहार हैं वो भी अखबारों में दिए गए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो चीजें सर्कुलेट की जा रही है एनआईए के द्वारा, तो निश्चित रूप से ये उम्मीद अब लोगों को बढ़ी है कि अब इस मामले में कार्रवाई और भी ज्यादा तेज हो पाएगी। क्या ये मास्टरमाइंड है या फिर षड्यंत्र इसने रचा था, पूरी प्लानिंग इसने की थी, और इसके परिवार वालों से बातचीत हो पाएगी क्योंकि ये चूरू का रहने वाला है? जी देखिए, इसके परिवार के जो लोग हैं वो पहले से ही कहते रहे कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं रह गया है, और पुलिस को और जो जांच एजेंसी है उसको इस पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। अभी के लिए यह अपडेट है कि क्योंकि एनआईए इस मामले की जांच कर रही है, और स्थानीय पुलिस के साथ साथ स्थानीय पुलिस ने पहले पर विश्वास नहीं जताया था परिजनों ने, और ये कहा था कि एनआईए इस मामले की जांच करे, तो एनआईए 1.5 महीने का वक्त तो हो चला है, उससे अधिक वक्त हुआ है, लेकिन अब तक कोई ठोस जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि अब जिस तरह से एनआईए दबिश दे रही है, और उसके साथ साथ क्योंकि जो रोहित गोदारा गैंग है उस गैंग ने वीरेंद्र चारण से बात की थी, और उसके बाद वीरेंद्र चारण ने ही शूटरों से बात की ऐसा बताया जा रहा है, और उसके बाद इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। तो एक तरह से देखें तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वीरेंद्र चारण, जिसने रोहित गोदारा के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया था। अभी हाल में हमने देखा कि राजस्थान विधानसभा के 2 विधायकों को भी जान से के जान पर खतरा नजर आया, और उसके बाद से उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई गई, हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा बढ़ाई गई, और उसके बाद मुकेश भाकर की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। तो इन मामलों के पीछे भी पुलिस का के सूत्र जो है वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि इस गैंग का हाथ हो सकता है, जिससे इनकी जान को, दोनों विधायकों की जान को खतरा है। हालांकि एक फेसबुक पोस्ट जो वायरल हुआ है, उस वायरल फेसबुक पोस्ट में ये बताया, जो रोहित गोदारा के नाम से वायरल हुआ है उसमें उस पोस्ट में ये बताया गया है कि हमारा अभी जो हनुमान बेनीवाल या फिर हनुमान बेनीवाल को खासतौर पर सुरक्षा देने से जो संबंध है उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन वो क्या रोहित गोदारा का फेसबुक पोस्ट है या फिर क्या है, इसके बारे में पुलिस ने अब तक कुछ साफ नहीं कहा है। पुलिस ने जरूर इन दोनों विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई है, और
पुलिस के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो हनुमान बेनीवाल हैं और मुकेश भाकर हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। सोमो, दो बातें आपसे जानना चाहूंगी। पहला ये कि इस मामले में पहले भी कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या वो इसे जानते हैं वीरेंद्र चारण जो अभी फरार चल रहा है, इस पर इनाम घोषित किया गया है? दूसरा, इसके ऊपर कौन कौन से मामले दर्ज हैं, और अगर इस पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं तो पुलिस की टीम की ओर से पहले ही इस मामले पर एक्शन क्यों नहीं ले लिया गया? जी देखिए, जो अपराधी सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए हैं उनके बारे में ये बताया गया है कि जो शूटर्स हैं उनसे बातचीत वीरेंद्र चारण ने ही की थी और रोहित गुदारा के कहने पर बातचीत की थी और उसी ने इन शूटर्स को तैयार किया था। जहां तक कार्रवाई की बात है तो उसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि इसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है, कभी बताया जा रहा है कि ये दुबई में है या फिर कभी कहीं और है, तो इस वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई। तभी अब केंद्रीय जांच एजेंसी जो है इस पूरे मामले पर अब जांच कर रही है और इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश भी कर रही है। नहीं, ये तो पता है दर्शकों को और ये आप जानकारी भी दे रहे हैं कि प्लानिंग पूरी इसकी थी, किस तरीके से हथियार प्रोवाइड कराए जाने, किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाना। लेकिन पूछताछ में क्या ये पता चल पाया है कि ये कहां फरार हो सकता है? उन आरोपियों की बात करो जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्या वो बता सकते हैं, बताया उनकी ओर से गया है कि कहां गिरफ्तार हो सकता है, कहां ये मिल सकता है? इसके अलावा पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी जा रही है कि वीरेंद्र चारण, इसके ऊपर पहले से कौन कौन से मामले दर्ज हैं? जी देखिए, कई और गंभीर मामले हैं जो इस पर दर्ज हैं, कई हत्या के जो षड्यंत्र का मामला है वह भी दर्ज है। उससे पहले जब एक गोलीबारी की घटना हुई थी एक क्लब में, एक बिल्डर से धमकी दी गई थी, तो उन मामलों में भी ये वांछित है। पुलिस ने अपनी जांच में क्या कुछ पाया है उसके बारे में कोई स्पष्ट संकेत तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस इस बात ये कहना चाह रही है कि ये जो अपराधी है वो इस वक्त विदेश में कहीं है और खासतौर पे ऐसा बताया जा रहा है, जो सूत्र हैं पुलिस के वो बता रहे हैं कि इस वक्त इसका ठिकाना जो है वो दुबई में हो सकता है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं सोमू आनंद की, वीरेंद्र चारण जो फरार चल रहा है इसका ठिकाना दुबई में हो सकता है। लेकिन अभी आप जिन नेताओं की यहाँ पर बात कर रहे थे कि उनको भी जान से मारने की धमकी मिली है, क्या इस मामले को वीरेंद्र चारण से जोड़कर देख सकते हैं, क्या इसके पीछे ये हो सकता है? जी देखिए, पुलिस ने ऐसा दावा किया है कि जो हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा से जुड़ा मसला था उसमें जो पूरा पहला गैंग रहा है, ये गैंग वो शामिल हो सकता है। बाकी जैसा बताया कि एक फेसबुक पोस्ट की स्क्रीनशॉट जो है वो काफी वायरल हो रही है, फेसबुक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है जो रोहित गोदारा के नाम से वो फेसबुक अकाउंट है, और हमने देखा कि इससे पहले भी जब घटनाएं हुई, चाहे वो राजू खेरत की हत्या हो या फिर उसके बाद की कुछ घटनाएं, उसमें उसी तरह से फेसबुक अकाउंट से पोस्ट करके जिम्मेदारी ली जाती रही है। तो उस फेसबुक पोस्ट के जरिए यह साफ किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है और हमारी कोई हनुमान बेनीवाल से दावत नहीं है, रोहित गुदारा के नाम से एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ इसमें यह कहा गया है। लेकिन पुलिस के जो सूत्र है वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि ये जो गैंग है उससे इनकी जान को खतरा हो सकता है। मुकेश भाकर के जो का जो मामला है उसमें कौन गैंग शामिल है या कौन से लोग शामिल है इसको लेकर कोई साफ जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन मुकेश भाकर की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका सोमू आनंद तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर कहाँ है वीरेंद्र चारण? हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि दुबई में छुपा बैठा हुआ, जिसकी तलाश एनआईए की टीम, पुलिस की टीम लगातार कर रही है।